गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आई एम आल्सो डूइंग वेरी वेल। सो आई नो बहुत दिनों बाद हम फिर से मिल रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया है, टॉप 3 ब्राइडल फाउंडेशंस के बारे में। जी हाँ, अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो या आप अभी अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हो मेकअप फील्ड में और आप चाहते हो कि आप क्लाइंट्स करो, प्रोफेशनल ब्राइड्स करो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे 3 प्रोफेशनल फ्लॉलेस बेस देने वाले फाउंडेशन की। टॉप 3 लिस्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपेंसिव फाउंडेशन रखे। ये 3 फाउंडेशन ऐसे हैं जो अलग अलग प्राइस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखें। इस वीडियो में आपको अलग अलग कैटेगरी के प्राइस रेंज मिलेंगे। सो आई होप कि आपको एक आध तो आपके प्राइस रेंज में, आपके बजट में फिट मिल ही जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इट इज़ माय रिक्वेस्ट, मैं जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हिट करने वाली हूँ। सो प्लीज़ हेल्प मी इन दैट। नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं ऐसे कमाल के वीडियोज़ डालती रहूँ। एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आता है कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आपकी कोई विश है या आपकी कोई क्वेरी है तो आई विल रियली आंसर द कमेंट। एंड या चलिए बिना ज्यादा बातें करते सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। सो मैंने जो कैटेगरीज डिसाइड की है वो हाई रेंज टू लो रेंज तक है, तो आप बिल्कुल यू नो एंड तक देखें वीडियो और बिना स्किप किए देखना, बिकॉज इसमें सिर्फ आपको मैं ब्राइडल फाउंडेशंस के बारे में नहीं बल्कि उनकी जो क्वालिटी, जो कंसिस्टेंसी है, जिस तरीके से वर्क करते हैं, कौन सी स्किन पे करते हैं, कौन सी स्किन पे नहीं, ये सारी चीज़ें इसी में होगी। तो सो गाइस सबसे पहले प्रोडक्ट की जो हम बात करने वाले हैं, आई एम डैम श्योर कि ये बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट के पास ऑफकोर्स होगा, और अगर नहीं तो अगर आप एक बिगनर हो तो आपके विश लिस्ट में तो जरूर होगा। बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है ये फाउंडेशन, बहुत लोग इसके बारे में रेव करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे फर्स्ट फाउंडेशन से, विच इज बाय हुदा ब्यूटी। तो ये है हुदा ब्यूटी का फॉक्स फिल्टर फाउंडेशन। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हुदा ब्यूटी। अब इसकी थोड़ी सी क्वालिटी चेक कर लेते हैं। प्राइस जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑफर ज्यादा नहीं आते, आई डोंट नो वाई, बट नायका ज्यादा ऑफर नहीं देता। अमेजोन पे आई एम नॉट श्योर कि आपको यू नो ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाता है या नहीं। सो आप नायका से जरूर ले सकते हैं, बट आपको ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अदर देन दैट एक्सपेंसिव रेंज में आता है ये फाउंडेशन। बजटेड, कुछ लोगों के लिए बजट फ्रेंडली अलग होता है, कुछ लोगों के लिए अलग। तो मेरे लिए तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, तो इसलिए मैं एक्सपेंसिव साइड पे ही इसे पकड़ूंगी। अच्छा, उसके बाद इसकी जो क्वालिटी, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक है। तो अगर आप या आपके क्लाइंट ऑयली स्किन टाइप से है तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। लेकिन अगर आप या आपके क्लाइंट ड्राई स्किन से हो तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, स्पेशली बिगनर्स के लिए, अगर आपको ब्लेंडिंग प्रॉपरली नहीं आती है तो। तो आप अगर अच्छी तरीके से यू नो आपकी स्किन को प्रेप कर लेंगे या आपके क्लाइंट की स्किन को प्रेप कर लेंगे ड्राई स्किन को, तो ये भी आप अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। अमेजिंग फाउंडेशन है, फुल 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 कवरेज देता है, लास्टिंग पावर बहुत अच्छी है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है ज़्यादा, तो इट इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट। अगर आप हैवी ब्राइट्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनको यू नो थोड़ा सा वो वाइट कास्ट वाला ब्राइट ज़्यादा पसंद है, तो आप थोड़ा सा लाइट शेड लेके इस फाउंडेशन में वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रिकमेंडेशन है। आई टोटली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट बिकॉज दिस वर्क्स अमेजिंगली। लेकिन बस बात यही है कि आपको ब्लेंडिंग और टेक्निक पता होनी चाहिए। सो दिस इज माय फर्स्ट रिकमेंडेशन। दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं। दूसरा प्रोडक्ट थोड़ा सा हम लोगों का हो जाएगा मिड अफोर्डेबल कैटेगरी का, जो यू नो काफ़ी आई थिंक 70-80% मेकअप आर्टिस्ट जो है वो इसे ऑफकोर्स अफोर्ड कर सकते हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द एले गर्ल प्रो कवरेज फाउंडेशन। ये एक अमेजिंग सा फाउंडेशन है, बहुत अमेजिंग। जितने लोग इसे यूज़ करते हैं आई एम श्योर कि अगर आप अच्छे ही रिव्यूज़ लिख के जाएंगे, प्लीज़ अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर देखे जाना, सो दैट इट विल हेल्प अदर पीपल। कुछ लोग आके कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे तो उनको वो हेल्प कर जाएगा। सो या इसमें जो है आपको जो कंसिस्टेंसी है इसकी वो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत थिन भी नहीं है, यानी वाटर कंसिस्टेंसी भी नहीं और एकदम क्रीम कंसिस्टेंसी भी नहीं है, इन बिटवीन है। बहुत अमेजिंग है, लाइट वेट है थोड़ा सा स्किन पे, तो ये बहुत अच्छा फिनिश देता है। साथ ही साथ आपकी स्किन पे एक अच्छा सा फ्लॉलेस सा बेस बन जाता है विच गिव्स अ नाइस इम्पैक्ट। उसके अलावा इसकी जो पावर है, लॉन्ग लास्टिंग पावर, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप इसमें एक लाइट एक डार्क फाउंडेशन मिक्स एंड मैच करके काफ़ी सारे स्किन टोन्स को कवर कर सकते हो।
प्राइस की बात करें तो ये मिड रेंज कैटेगरी में आता है, बट आपको ऑफर्स मिल जाते हैं नाइका पे भी, अमेजोन पे भी आप इसे परचेस कर सकते हो, नो इश्यूज। अगेन ये बहुत अमेजिंग फाउंडेशन है, स्पेशली प्रोफेशनली यूज करने के लिए बहुत अच्छा है, कोई साइड किकबैक्स नहीं है इसके, एंड बहुत ब्यूटीफुली सेट होता है ऑन द फेस। सो या दिस इज माई अनदर रिकमेंडेशन। बाद में जो प्रोडक्ट की बात करूंगी दैट इज बाय अ वेरी 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 नोन ब्रांड, आई थिंक बहुत सारे लोग इसे जानते हैं, इस ब्रांड को जानते हैं। यस आई एम टॉकिंग अबाउट द PSC। तो PSC की बात करें, दिस इज द PSC लिक्विड फाउंडेशन, और ये बहुत अमेजिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ड्राई स्किन टाइप्स है, ये बहुत अच्छी फिनिश देता है। अगेन थिन कंसिस्टेंसी है, वॉटरी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है, तो ये बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, लास्टिंग पावर अप टू 12 आवर्स है, बहुत अच्छा फ्लॉलेसली सेट होता है ऑन फेस, एंड ये टेक्सचर्स को इतना ज़्यादा एनहांस नहीं करता। इसकी जो प्राइस रेंज है वो भी 1000 रुपीज़ के अंदर है, तो अगेन एज आई सेड बिफोर के ऐसी कैटेगरी लाऊंगी कि आप जो है ऑफकोर्स आपको एक कैटेगरी में मिल जाएगा। एंड या इसका जो इफेक्ट है, इसका नहीं, मैंने इससे पहले जो दो फाउंडेशन दिखाए उनका भी जो इफेक्ट है वो HD फिनिश जरूर देता है, बस आपको थोड़े से टेक्निक्स पता होने चाहिए, आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, यू शुड नो हाउ टू यूज अ प्रोडक्ट। सो या यही सारी चीजें हैं, और ये अगेन एक बहुत अच्छा फिनिश देता है आपकी स्किन पे। बहुत सारे शेड रेंज आपको मिल जाएंगे पैक में, हुदा ब्यूटी में भी काफी सारे शेड्स हैं, LA Girl में भी काफी सारे शेड्स हैं, बट पैक में आई थिंक उसे ज्यादा है, तो एक अफोर्डेबल कैटेगरी का फाउंडेशन जो बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। काफी लोगों की कंप्लेंट्स है विद दिस फाउंडेशन, बट अगर आप प्रॉपर CTM करो, प्रॉपर अपनी स्किन प्रेप करो, प्रॉपर चीजें यूज करो, तो ये बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है। सो या मेक श्योर कि आप जरूर 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 कोई एक फाउंडेशन ट्राई करें, एंड मुझे बताएं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी या नहीं। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट्स में बता के जाना कि आप लोग कौन सा फाउंडेशन यूज करते हैं, आई वुड रियली लाइक टू रीड योर कमेंट्स। और अगर आप चाहते हो कि मैं इससे और थोड़े से कम कैटेगरीज में प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल आई शेडोज कौन से कलर्स यूज होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट, लिपस्टिक्स कौन सी रखनी चाहिए, तो ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बता देना, आई वुड लव टू मेक सच वीडियोज। एंड या आपकी अगर कोई भी क्वेरीज होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, एंड मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो जाए, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।